बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ, भाई शादियों का सीज़न चल रहा है भाई, यहाँ पे हर आइटम मिल जाएगा, मेहंदी से लेके, मायों से लेके, फंक्शन के लिए, डांसिंग के लिए, और आपको यहाँ पर डांडियाएँ भी मिल जाएंगी, और भाई बर्थडे भी होती हैं सबके यहाँ पर, तो भाई माशाल्लाह बर्थडे की भी थीम वगैरह यहाँ पर प्रॉपर मिल जाएगी आपको। और जी तो भाई पाकिस्तान के अंदर भाई चल रही है, आने वाली है भाई दिवाली, तो भाई दिवाली आ रही तो वैसे मतलब लोग उसकी भी शॉपिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ भाई, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे भाई सब लोग बहुत मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं, तो भाई यहाँ पे दिवाली की शॉपिंग चल रही है, लोग अपने अपने जो त्यौहार हैं उसकी शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, तो भाई यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दिवाली के हिसाब से सारे बम पटाखे, जो आपको शादियों में भी काम आ सकते हैं, बर्थडे में भी काम आ सकते हैं। और यहाँ पर भाई हर तरह के दिए मौजूद हैं, जो खूबसूरत तरीन दिए मौजूद तो यहाँ पे दिवाली के लिए, और यहाँ पे उनके अलावा भी चीजें बहुत सारी हैं जो मिल जाएंगी। जैसे ये लोग दिवाली इसका अपना फंक्शन अटेंड करने के लिए, हमें खुशियाँ मनाने के लिए पटाखे लेते हैं। ये बहुत अच्छे पटाखे, बहुत किस्म के भी हैं। ये जैसे ये इसको जला के ऐसे ऊपर जाते हैं, इसके शॉर्ट पकाए, ये पॉप से इसको जमीन पर फेंकने से जलते हैं, ये गोल गोल जलते हैं, और बहुत किस्म से ऐसे हैं। दिवाली में आप और क्या करते हैं? और हम लोग मिठाइयाँ रिश्तेदारों को बेचते हैं, सबको दोस्तों को हैप्पी दिवाली, रिश्तेदारों को हैप्पी दिवाली विश करते हैं। तो कितने सारे पटाखे लेने आए आप ये बताएं? जितने हाथ में आए, जितने हाथ में आएंगे बाबा का खिला देंगे। आपने भी लिए भाई यहाँ पे? कितने लिए आपने पटाखे? कितने लिए आपने पटाखे यहाँ पे? बहुत लिए, बहुत ज्यादा लिए। काले बाबा दिला देंगे, दिला देंगे। अरे वाह भाई, ये देखिए आप भाई बच्चे लेने आए। अच्छा क्या करोगे दिवाली वाले दिन? पटाखे जलाओगे? जबरदस्त, ये देखें भाई माशाल्लाह। हाँ भाई, क्या लेने आई हो? दिवाली के लिए पटाखे लेने आई हो? खूब सारे बाबा दिला देंगे। अरे माशाल्लाह भाई, ये देख सकते हैं उन्होंने कितनी जबरदस्त तरीके से बास्केट पूरी भर ली है। और क्या करोगे दिवाली वाले दिन? मिठाइयाँ बांटोगी? बहुत सारी। और पटाखे अपनी अपनी बास्केट अलग बनाई है? अरे वाह भाई, ये देखिए छोटी सी गुड़िया है माशाल्लाह से, ये पटाखे ले रही है यहाँ पे, और ये देखिए एंजॉय करेंगे अपने दिवाली वाले दिन सेलिब्रेशन के लिए। क्या खरीदने आए हैं आप यहाँ पे? पटाखे खरीदने आए हैं दिवाली के लिए। दिवाली के लिए और क्या करेंगे दिवाली वाले दिन? दिवाली वाले दिन हम लोग पटाखे चलाएंगे और घूमने वगैरह जाएंगे। घूमने भी जाएंगे? और ये मिठाई विठाई क्या भूल गई? मिठाई तो अब दिवाली के दिन ही आती है ना। दिवाली के दिन मिठाइयाँ भी तो बांटते हैं ना जी सर। और क्या करना होता है? मेहमानों को इनवाइट किया है जी, मेहमानों को डिनर पे बुलाते हैं वगैरह, मिठाई बुलाते हैं। अभी कितनी शॉपिंग की है आपने यहाँ पे पटाखों की? अभी तो हम अभी शुरू ही की है, अभी शुरुआत की है। चले भाई माशाल्लाह, बच्ची ने अपनी पटाखे छुड़ा के यहाँ पे लिए दिवाली के लिए, और भी कुछ लेने आएंगी। चले भाई जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं क्या लेने आए यहाँ से? हम यहाँ पर बम लेने आए, हमारा कजन का शादी है। कजन की शादी के लिए लेने आए? कैसे लग रहे हैं यहाँ पे बम? बहुत अच्छा, रीजनेबल प्राइस लग रहे हैं। कितने सारे लेके जाएंगे? बस इंशाल्लाह, अभी शुरुआत की शॉपिंग की। चले भाई जबरदस्त, ये माशाल्लाह यहाँ पे भाई बम पटाखे लेने आए कजन की शादी के लिए, और माशाल्लाह देख सकते हैं यहाँ पे काफी रश भी है भाई माशाल्लाह से। यहाँ पे खूब जोरों शोर से जो है ना शॉपिंग की जा रही है, और भाई मांगा जा रहा है डिस्काउंट। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं यहाँ से आप पटाखे खरीदने डिस्काउंट मिल जाएगा? दे तो नहीं रहे, डिस्काउंट दे रहे हैं भाई, डिस्काउंट दे रहे हैं माशाल्लाह से। और भाई काफी लोग इन्होंने पटाखे यहाँ पे खरीदे हैं, और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह डिस्काउंट के साथ। हाँ, यहाँ पे असल दिवाली में जो है ना हम लोग ऑफर रेट लगा देते हैं, पाँच सौ वाली, पाँच सौ वाली जो आइटम है ना, जो ग्यारह महीने में 500 की बेचते हैं, दिवाली में हम लोग 400 की बेचते हैं। अरे वाह, ये तो दिवाली में खूब पटाखे बिकने वाले यहाँ से। आप आ जाए, मैं पैक करवा दूँ। दिवाली में खूब पटाखे खरीदने वाले सब यहाँ जी, यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। लगा दी है दिवाली की खुशी में भाई, आए लोग बास्केट भर भर के यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं, और हम दिखाते हैं आपको भाई माशाल्लाह। ये देखे भाई, ये देखे भाई, जबरदस्त हो गया भाई, बेहतरीन हो गया भाई। आप मौजूद है हनीफ पटाखा भाई, यहाँ पर हम क्यों मौजूद है भाई, पहले आप बताओ। वो बच्चे आ रहे, बच्चे आ रहे, क्या लूट के लेकर आ रहे भाई, क्या लूट? ओ हो 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 हो, क्या ये है? क्या ले लिया हलवा के सामान? क्या है ये आखिर, है क्या बताओ तो? पटाखे, पटाखे लिए? क्यों लिए? जलाने के लिए। जलाओगे? क्यों लिए भाई? जलाने के लिए। और क्या लिया, क्या क्या सामान ले लिया? मुझे पता लगा कि यहाँ पर कुछ सस्ता मिल रहा है। हाँ सही मिल रहा है। चलो भाई, बच्चों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, तो ये वैसे किस खुशी में यहाँ पर जो वो लगाई जा रही है, क्या सेल चल रही है, क्या चल रहा है, क्या आखिरकार ये तो बताओ।
पता लगा भाई यहाँ पे दिवाली की खुशी में आपको मिलने वाली ऑफर। कौन सी ऑफर है पता भाई? मतलब आपको जो आम अंदर जाके पता लगाते हैं ना, अभी यहाँ कहाँ अंदर चल रहे हैं और अंदर जाके जानते हैं कि क्या क्या ऑफर चल रही है यहाँ पर, क्या क्या चल रहा है भाई, सब अंदर जाके जानेंगे। क्या लेके जा रही है? पटाखे। पटाखे फाड़ने? दिवाली है। अच्छा दिवाली के लिए भाई, दिवाली का इवेंट है तो क्या कुछ ऑफर लगाई है, कुछ मतलब सस्ता दे रहे हैं, क्या चल रहा है? हमें बहुत सही मिलते हैं, सही रेट पे मिलते हैं। आप हर बार यहीं से लेके जाते हैं? जी मैं हर बार यहीं से लेके जाती हूं। अच्छा जन्नत आपने पूछना भाई, मतलब आपको इसलिए पटाखे लेके खुशी हुई? जी बहुत खुशी हुई, क्यों नहीं हुई? मतलब रात में फाड़ेंगे या सुबह फाड़ेंगे? रात को भाई। मतलब चलाएंगे आप लोग? ये भी नहीं है और क्या क्या सामान लिया है? अच्छा वहीं से मिल जाता है, चले जी बहुत सारी शॉपिंग की है बच्चों ने। चले अंदर जाके मजा लेने के अंदर क्या सीजन चल रहा है? तुम ही रुकी हो, चलो फिर चले ना। चले आपको बताती हूँ यहाँ पे आपको दिवाली के लिए क्या क्या सामान मिल सकता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं। भाई एंटर होते ही आपको नजर आएगी यहाँ पे बेतहाशा चीजें जो के ओ माय गॉड यार, एक दो ये देखो भाई, मतलब क्या तेरे कम रेट में इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखा है। इसके 30 रुपीज है, इसके 50 रुपीज है, इसके 50 रुपीज है, इसके 30 रुपीज है, इसके 50 रुपीज है, इसके 30 रुपीज है। तो मतलब क्या यार, मतलब यहाँ पे लाइन से बहुत सी चीजें लगी हुई है। जैसे आप देख सकते हो ये 500 रुपीज का है, ये देख सकते हो आप लोग ये 150 रुपीज का है, ठीक है। तो मैं आपको आगे भी दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें मौजूद हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ यार, ये देखो ये 100 रुपीज का है। तो आपको यहाँ पर ये देखें डेकोरेशन आइटम्स भी मिल सकते हैं जो कि देखें कितने क्यूट क्यूट से हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं, मतलब कि डेकोरेशन के लिए बेस्ट है। और उसके बाद अगर आप लोग आगे आते हैं तो आपको आगे ही बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, मतलब के लिए आप लोगों के लिए मतलब की जगह है, आपको यहाँ पे हर एक चीज मिल सकती है। और यहाँ पे जो डे आता है उस हिसाब से डेकोरेशन वगैरह का सामान आता है और उस हिसाब से डेकोरेशन के आइटम्स आते हैं। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है और यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो सब मौजूद है, यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत आसान तरीके से। तो भाई चलते हैं आपको दिखाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है पटाखे। तो भाई यहाँ बहुत सारे ना सीट आइटम मौजूद है, मतलब कि आपको यहाँ पे पूरी शॉपिंग मिलने वाली दिवाली की। यहाँ पे आपको मिलने वाली हर वैरायटी के अच्छे अच्छे जगह आपको वैरायटी मिल रही है, मतलब कि आपको यहाँ पे प्लेन भी मिल जाएंगे, जिन लोगों को प्लेन चाहिए वो प्लेन ले सकते हैं, इनको मतलब अच्छे चाहिए वो अच्छे ले सकते हैं। तो भाई चलते हैं मेन आपको फोकस कराते जगह पटाखे। ये चेक करो यहाँ पे मौजूद है सारे पटाखे, मैं आपको डिटेल भी दूंगी कि क्या क्या इसके प्राइस है, यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद है। तो पकड़ते हैं किसी अंकल को और उनसे पूछते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद है, कौन कौन से प्राइस में। यहाँ मौजूद है यूट्यूबर, इनसे पूछते हैं वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? मैं ठीक हूं। ये बताओ यहाँ पे क्या करने आए? खरीदारी करने आए हैं कि होली दिवाली आ रही है और दिवाली के मौके पर जाहिर है हमें भी बच्चों को खुश रखना है और उन गरीब बच्चों को जो कि ये दिन मनाते हैं हम उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं ताकि वो भी इस खुशी में शामिल रहें। तो भाई ये बोल रहे हैं अभी तक आपने क्या क्या लिया? ये आपको नजर आ रहा है कुछ बम है, पटाखे हैं, फुलझड़िया है और मुख्तलिफ आइटम है। मतलब कि आप ये डोनेट करने वाले? जी। अच्छा भाई ये बताएं कि आपका चैनल का नाम क्या है? हमारे चैनल का नाम है समीर के व्लॉग। समीर के व्लॉग सब लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। भैया और रिकमेंड करते हैं आप आए और ट्राई करें। बिल्कुल करें, क्यों यार। इंटरव्यू वाले जी भाई साहब, भाई ये बताएंगे आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद है अभी? जी आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद है? हमारे पास यहाँ पर जो है वो सारे के सारे आइटम्स की हवाले से जो है वो चीजें अवेलेबल हैं, जिसके अंदर शादी ब्याह के दीगर तकरीबात भी, अपकमिंग इवेंट जो कि दिवाली का इवेंट है वो भी, इसके अलावा शादी ब्याह की तकरीबात के अलावा और भी बर्थडे पार्टीज के अंदर भी सेलिब्रेशन होती है और भी इवेंट जो है वो हमारे पास इवेंट होते हैं, तो सबके लिए हमारे पास यहाँ पे आइटम अवेलेबल है, जिसके अंदर ही आप देख सकते हैं ये अनार लगे हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों वाले अनार भी लगे हुए हैं, बच्चों और बड़ों की तमाम तरह वैरायटी अवेलेबल है। कलाशन पट्टी के क्रैकर्स की कुछ वैरायटी अवेलेबल है, बच्चों की स्काई शॉर्ट्स वाली स्टिक होती है ये भी अवेलेबल है। इसी तरीके से यहाँ पर कलर शॉर्ट्स की वैरायटी भी है,
कुछ बड़ी वैरायटी अवेलेबल है जो कि ये फायरवर्क्स के हवाले से भी इस्तेमाल होती है, आतिशबाजी के अंदर जो है वो प्रॉपरली अपना जो है इम्पैक्ट बनाती हैं, कलरफुल ब्लास्ट करती हैं, फ्लावर बनाती हैं। यहीं पर ही हमारे पास कुछ बड़े स्काई शॉट्स के भी आइटम मौजूद है जो कि अपग्रेड आइटम्स है, अपग्रेड फायरवर्क्स है। यहाँ पर जो है वो इनका काम ह्यूज हाइट के ऊपर जाकर बड़े ब्लास्ट करना है, बड़े मल्टी कलर्स के फ्लावर बनाना है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो स्काई शॉट्स के बच्चों के आइटम भी हमारे पास बहुत रिजनेबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल होते हैं। ये आप देख सकते हैं 100 रुपीज का एक टिकट साइज है, ये बच्चों का एक छोटा राउंडर है, स्काई शॉट कहलाता है। इसी तरीके से ये इसका बड़ा साइज है जो 250 में भी अवेलेबल है। रॉकेट्स की कुछ वैरायटी हमारे पास यहाँ अवेलेबल होती है, बच्चे इसको चलाकर बड़ा एंजॉय करते हैं, शादी ब्याह के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, दिवाली वगैरह के इवेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। और यही हमारे पास कुछ जदीद आतिशबाजी का सेक्शन भी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे 25 शॉट्स वाले बॉक्स हैं, 25 शॉट्स के जंबो हैं, 49 शॉट्स हैं, डिफरेंट जितने भी बॉक्सेस हैं ये सब के सब अवेलेबल हैं। लो टिकट साइज और हाई टिकट साइज हर प्राइस के हवाले से, हर कुवते खरीद के हवाले से हमारे पास जो है वो आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। देखिए जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये 9 शॉट का बॉक्स है, बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर है, 1800 रुपए का जो है वो ये अवेलेबल है। और ये 9 दफा फायर करता है और ये मल्टी कलर के ब्लास्ट करता है, फ्लावर करता है, तकरीबन 70 से 80 फीट की हाइट के ऊपर। और ये बड़े बॉक्सेस भी हैं, ये मल्टी फंक्शनल शोज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बड़े टाइम टारगेटेड इवेंट्स होते हैं उसके अंदर जो है हम इनको चलाकर जो है वो पब्लिक को लुत्फंदोज करते हैं, और जहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है और पब्लिक का रश होता है वहाँ पर जो है हम इनको चलाते हैं। बेसिकली देखिए हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है तो हमारी अतुल इमरान कोशिश ये होती है कि हम उसको हर एक चीज के हवाले से जो है वो हैंडलिंग प्रॉपरली गाइड करें, हर एक चीज को चलाने का तरीका हम उसको प्रॉपरली समझाएं और गाइड करके उसके बाद यहाँ से हम रवाना करें। अच्छा जी, तो मजीद ये बताइएगा कि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल इवेंट्स होते हैं और उसमें भी कुछ तैयारी आवाम करती है डेफिनेटली। जी बिल्कुल, अभी जैसे आप देखिए ये चल रहा है हमारे पास, ये अपकमिंग इवेंट है, दिवाली का इवेंट है, जो आप रश देख रहे हैं मेरे शोरूम के ऊपर ये भी अलहमदुल्ला दिवाली के हवाले से ही है। ये जितने भी कस्टमर्स खड़े हुए हैं, ये अपकमिंग इवेंट है दिवाली का, उस हवाले से अपने इवेंट्स को मजीद लुत्फंदोज करने के लिए पटाखों की क्रैकर्स की वैरायटी को जो है वो बहुत एक वसी रेंज के अंदर खरीद रहे हैं और इससे एंजॉयबल होने के लिए बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फुलझड़ियों की भी एक बड़ी रेंज है हमारे पास यहाँ पर लगी हुई है, ये भी दिवाली के हवाले से एक बहुत ही जो है वो डिमांडफुल आइटम होता है, बच्चे इसको चलाकर, बच्चे और बड़े तमाम लोग इसको चलाकर जो है वो बड़ा एंजॉय करते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस के ऊपर है, आप देख सकते हैं 250 के अंदर इसकी प्राइस है और 12 पीसेस का ये यूनिट होता है। यही यूनिट हमारे पास जो है वो 3 साइजेस के अंदर अवेलेबल होता है, इसका छोटा टिकट साइज भी अवेलेबल है और स्मॉल टिकट साइज भी अवेलेबल है। छोटे बच्चों के लिए जो है वो छोटी चीजें हैं, बड़े लोगों के लिए बड़ी चीजें भी अवेलेबल है। सर ये तो चले फुलझड़ियाँ वगैरह हो गई और अनार वगैरह हो गए, तो कोई छोटे साइज के बम भी हैं? जी हाँ, तो बच्चे फाड़ते हैं। क्रैकर्स की वैरायटी के हवाले से हमारे पास, मैं आपको ये दिखाता चलूँ, ये देखें रानी बम की वैरायटी मौजूद है, कोबरा बम की वैरायटी मौजूद होती है, इसके अलावा सुपर टाइटेनिक की वैरायटी मौजूद है, डिस्को बम है जिसे हम बर्फी बम पेटी बम कहते हैं, इसको चलाकर बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि अगर कोई हमसे ये 700 का बॉक्स नहीं खरीद सकता तो उसी हवाले से हमने यहाँ पर जो है वो लूज के अंदर भी पैकेट्स बनाए हुए हैं, तो ये 250 के 4 का एक यूनिट है, तो इसको जो है वो लोग खरीद कर इससे लुत्फंदोज हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या क्या होता है अगर हम बर्थडे के इवेंट की तरफ जाएं तो? हमारे पास बर्थडे के इवेंट के हवाले से भी आइटम मौजूद है और इसके अलावा सजावट और मेहंदी माइयों के हवाले से भी डिफरेंट आइटम मौजूद होते हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट पोर्शन के अंदर जो है विजिट करवाऊंगा। अच्छा सर, पहले आप हमें उत्तरा का विजिट करवाएं जहाँ पर कुछ और भी वैरायटी बच्चों के हवाले से। मेरे पास यही इसी शोरूम के ऊपर बड़ों के क्रैकर्स के साथ साथ जो है वो बच्चों की भी कुछ वैरायटी मौजूद है जो की साउंडलेस कार्रवाई भी करती है। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ, ये आप देख सकते हैं ये बच्चों के लिए बड़ा एंजॉयबल आइटम है, इसे चक्री कहा जाता है, ये कलरफुल चक्री है, इसने नॉइज नहीं करनी, इसने सिर्फ जमीन पर घूमना है और कलर जो है वो अपने जो है वो एक्सपेंड करने होते हैं। बहुत खूबसूरत लगती है वैसे ये चला के देखा। इसी तरीके से ये गैस लाइट है, हमारे बचपन की याद गैस गोला जिसे हम कहते थे, ये भी है, ये भी अवेलेबल है हमारे पास। कुछ बड़े साउंड की वरायटी के अंदर है ढोलकी बम, इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कलरफुल फुलझड़ी भी मौजूद है। ओहो, मतलब इसमें से कलर्स निकलते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये रंगीन शुआओं के साथ होती है, इसे हम पन्नी की तरफ से होल्ड करते हैं और कागज की तरफ से जलाते हैं और ये रंगीन शुआएं करती है, बच्चे और बड़े दोनों इसको जो है वो लुत्फ अंदोज़ होते हैं। प्राइस क्या है इसके सर? सिर्फ 150 रुपीज का यूनिट है जिसके अंदर 6 पीसेज अवेलेबल है। 150 ओनली जी। इसके अलावा कुछ बच्चों की गर्ल्स, इसके अलावा बच्चों के अंदर वाले के अंदर हमारे पास यहाँ पर आइटम अवेलेबल है, पिस्तौल सेट्स की वैरायटी अवेलेबल है। इसी तरीके से नॉइज ना करने वाले आइटम्स के अंदर हमारे पास ये बी है, बटरफ्लाई भी है, इसी तरीके से इसी तरह पर बटरफ्लाई भी काम करती है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जबरदस्त, ये हनी बी का पैकेट है, ये 300 रुपीज का पैकेट है।
ये बल्ब पटाखे का पैकेट है, ट्यूबलाइट बम, मुक्का बम भी से कहा जाता है, इसे हमने जलाना नहीं है, बच्चे सिर्फ इसके ऊपर जो है वो मुक्का मारते हैं, मुक्का मारकर फेंकते हैं और ये थोड़ी देर के अंदर गैस फिलअप होने के बाद खुद ब खुद फट जाता है, इसे जलाने की जरूरत नहीं होती। यहीं पर ही कुछ कलरफुल चिंगारियों की वैरायटी भी अवेलेबल है, बच्चे इसको भी इस्तेमाल करने के बाद बड़ा जो है वो एंजॉय करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये रीजनेबल प्राइस के अंदर टिकट साइज है इसका, ये 100 रुपए के अंदर 8 दाने अवेलेबल है। और अगर कोई इसका बड़ा पैकेट हमसे लेना चाहता है तो 25 पीसेस की क्वांटिटी के अंदर भी इसकी बॉटल अवेलेबल है, और इसी तरीके से यहाँ 50 जो है पीसेस के अंदर भी इसका जो है वो एक बड़ा पैकेट हमारे पास अवेलेबल है। सही है जी। हाई साउंडेड क्रैकर्स के अंदर जो है वो शौकीन मिजाज लोगों के लिए, तेज आवाज वाले बम जो फाड़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास वैरायटी होती है। 10 दाने का पैकेट है, ये 250 का एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर पैकेट है, ये 200 का पैकेट है, 10-10 पीस का पैकेट है। यहीं पर ही हमारे पास कुछ वैरायटी अवेलेबल है जो कि डिग्री की वैरायटी है, धागे क्या जी हाँ, ये भी हाई साउंडेड क्रैकर, ऐसे हम ढोल की बम कहते हैं, ढोल की बम कहलाता है, ये हाई साउंड करता है, ये डिबरी है बचपन की याद, ये हमारे पास 2 साइजेस के अंदर अवेलेबल होती है, ये 120 के अंदर का छोटा साइज है, ये कलरफुल नहीं होती है लेकिन ये फ्लाई करती है, चिंगारियां मारती है हवा के अंदर, जी हाँ बिल्कुल, ये चिंगारियां बनाते हुए हवा में फ्लाई करेगी और ऊपर जाकर ठंडी होकर कुछ देर बाद खत्म हो जाएगी। छोटी डिबरी और बड़ी डिबरी के बाद हमारे पास एक न्यूली लॉन्च आइटम है जिसे हम कहते हैं डिबरी अनार, तो ये डिबरी अनार का जो काम है बेसिकली ये डिबरी की तरह फ्लाई करना नहीं है, ये नीचे ही रह जाता है, इसके अंदर से जो है वो बच्चों के कद की हाइट जितनी जो है वो एक शावरिंग निकलती है जिसे हम डिबरी अनार कहते हैं, तो इसका काम इस पैटर्न के ऊपर जो है वो शावरिंग करना है, बच्चों के लिए बड़ा जो है वो एंजॉयबल आइटम है। यही पर दिवाली के हवाले से न्यू लॉन्चिंग आइटम है बोतल का जिन, ये सिंगल शॉट राउंडर है, जी हाँ ये सिंगल शॉट राउंडर है, इसको हमने यहाँ से इसको जलाना है, ये इसका होल्डर है, ये नीचे से इसको रखना है हमने स्टैंड पर और यहाँ से इसको हम जला देंगे, तो यहाँ से इसका राउंड निकलता है ऊपर स्काई शॉट्स की पैटर्न पे जाकर सिंगल ब्लास्ट करता है और मल्टी कलर का फ्लावर बनाता है। अलग अलग शॉट्स होते हैं, हाँ ये अलग अलग शॉट्स है, ये सिंगल शॉट का शूटर है जो कि सिर्फ 50 रुपीज की एक बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर अवेलेबल है। और हमारे बचपन की यादों के अंदर भी एक वेल नोन चीज हुआ करती थी जिसे हम कहते थे चाइना बॉम्ब, तो ये चाइना बॉम्ब की एक वसी रेंज हमारे पास अवेलेबल है जिसके अंदर जो है वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर इसका यूनिट बना हुआ है, 200 पर पैकेट का जो है वो कॉस्ट है, इसके अंदर 3 पीसेस या 3 पैकेट इसके अंदर कंटेन है। सही है, 3 पैकेट मतलब 200 के बिल्कुल, अच्छा हर एक चीज जो है वो बहुत ही रीजनेबल रेट के ऊपर अवेलेबल है, हर तरह के बॉम्ब, हर तरह के क्रैकर्स यहाँ पर जो अवेलेबल है, जो वो कुजड़ियाँ भी मिल रही हैं पर आपको, ठीक है यही आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये इसके अंदर 4 पीसेस की पैकिंग भी जो है वो अवेलेबल है, 250 के 4 पीसेस भी अवेलेबल है, ये मजीद जो है वो रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर आ जाता है। ये बिच्छू बम है, बहुत वेल नोन आइटम है, इसी तरीके से ये हरा खोपड़ी बम है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो ब्लू खोपड़ी बम है। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ जहाँ पर मेरे बर्थडे और इवेंट का सामान ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इस पोर्शन के ऊपर जो है वो सालगिरह के इवेंट्स के हवाले से और दीगर सेरेमनीज के हवाले से भी हमारे पास यहाँ पर आइटम्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर फॉइल बलून्स की और ग्रीटिंग कार्ड्स की एक बड़ी वैरायटी अवेलेबल है। आप ये देख सकते हैं ये बेबी शावर, बेबी गर्ल, इसी तरीके से हैप्पी बर्थडे, इसी तरीके से बलून्स के जो है वो कम्प्लीट सेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं हमारे पास, लेआउट्स हैं, वॉल पेपर्स हैं, ये तमाम तरह चीज़ें हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होती हैं जो बहुत ही रीजनेबल टिकट साइज के ऊपर अवेलेबल हैं। सजावट के कुछ आइटम्स के अंदर और मेहंदी माइयों के कुछ आइटम्स के अंदर हमारे पास ये वसी रेंज आप देख सकते हैं जिसके अंदर केक टॉपर्स हैं, इसी तरीके से माशाल्लाह वाले और या अली मदद वाले और या फातिमा वाले, ये तमाम तर जो है वो इमाम तामिन हमारे पास मौजूद होते हैं, ये आप देख सकते हैं। मेहंदी माइयों के हवाले से ये ट्रेज हैं जो मेहंदी के इवेंट्स के अंदर काम में आती हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, बहुत ही खूबसूरत जो है वो यहाँ पर वैरायटी है हमारे पास और बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर है। डांडिया की जहां तक बात करें, डांडिया की जो वैरायटी है हमारे पास वो दोनों ही तरह की अवेलेबल है, अगर आप लकड़ी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डांडिया को लकड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हमारे पास ये मेटल वाला पैकेट भी अवेलेबल होता है जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस के ऊपर है। यही हमारे पास आप देख सकते हैं ये कुछ वैरायटी सालगिरह की और ये मेहंदी माइयों के इवेंट्स के हवाले से गिफ्टिंग आइटम्स की जो टोकरियाँ होती हैं इसकी भी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है और पार्टी टैक्स भी हैं जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं मेरी खाला की शादी, बाबा के प्यारे, सालगिरह कैप्स की वैरायटी अवेलेबल होती है, ये तमाम तरह चीज़ें हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ कुछ वैरायटी अवेलेबल है जो कि पार्टी पॉपर्स की वैरायटी है, इसके अंदर लोकल और चाइना दोनों पार्टी पॉपर्स हैं, कलर्ड पाउडर्स की भी हमारे पास आजकल डिमांड आ रही है तो ये कलर्ड पाउडर्स हैं, कलर्ड पाउडर्स वाले पार्टी पॉपर्स हैं। यहीं हमारे पास स्नो स्प्रे की भी वैरायटी अवेलेबल है और ये हमारे पास लोकल नहीं होते, ये हमारे पास इम्पोर्टेड होते हैं। नॉर्मली जो पार्टी पॉपर्स होते हैं उसके अंदर से जो है वो कलरफुल जो है वो
आपका एक तरीके से कहना चाहिए कि कचरा ही निकलता है, लेकिन इसके अंदर गोल्डन और सिल्वर हार्ट्स की कटिंग मौजूद होती है। ये इम्पोर्टेड पार्टी पॉपर्स की वैरायटी भी हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है जी। सर यहाँ तो आपने काफी सारी हमें डिटेल में चीजें दिखा तो दी हैं, लेकिन आवाम आप तक आएगी कैसे, जरा एड्रेस समझा दें। हमारी लोकेशन है एमएजेना रोड पर, कैपिटल सिनेमा के जस्ट अपोजिट, सुपर फायरवर्क्स अलामना प्लाजा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लोकेट है। और हमारा जो एड्रेस है ये मैं आपको बता चुका। इसके अलावा अगर ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हमसे कोई रब्ता करना चाहता है तो 03158557210 पर कॉल करके हमें अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है, ये सिर्फ कराची में डिलीवरी है या ऑल ओवर पाकिस्तान? ऑल ओवर पाकिस्तान में हमारी ट्रेंड लेबर जाकर अपनी सर्विसेज दे रही होती हैं। हमने जो यहाँ पर डिलीवरी का सिस्टम रखा है वो इन कराची है, और आउट ऑफ सिटी कराची से जो है वो उसके पर हम जो है वो बिल्टी का पैटर्न इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बिल्टी हम यहाँ से करवा देते हैं। आपको जो है वो अपने शहर के अंदर अपनी जगह के ऊपर जो है वो खुद उसको रिसीव करना होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी कोई टीम जाके उनको ट्रेन भी करे, क्योंकि बड़े इवेंट्स भी होते हैं कुछ? देखिए, हमें जो बड़े इवेंट्स के हवाले से जो मामला होते हैं वो ऐसे हैं कि जो हमारी ट्रेंड लेबर होती है वो जाकर अपनी सर्विसेज को, अपने परफॉर्मेंस को जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, और जो एज अ वॉकिंग कस्टमर हमसे आते हैं, खरीदारी करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको जो है वो हर एक चीज़ की प्रॉपर हैंडलिंग समझा कर, गाइडलाइन प्रॉपरली दे के प्रोवाइड करके उसके बाद भेजें। ठीक है, मतलब आपकी टीम जो पूरा सपोर्ट करती है? जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। सर थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी डिटेल में आज बताया और अपना एड्रेस भी समझा दिया हमें, तो आपसे फिर अगली दफ़ा दोबारा मुलाकात होगी और आवाम से भी दोबारा मुलाकात होगी। इसी तरह की अच्छी वीडियोस हम आवाम के लिए लेकर आते रहेंगे आगे भी। फिर चलते हैं जी, मिलते हैं अगली वीडियो में मजीद अच्छी कॉन्टेंट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।